अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी चिकन रेड रोस्ट। रोस्ट बनाने के लिए 2 अदद चिकन थाई पीस लिए हैं, 3 टेबल स्पून दही है थिक वाला, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेगा और स्पाइसेस में है टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 पिंच हल्दी, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 2 पिंच गार्लिक पाउडर, 2 पिंच जिंजर पाउडर और 2 पिंच येलो फूड कलर और 2 पिंच रेड फूड कलर डलेगा और 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस डलेगा। ये सबसे पहले मैंने चिकन पे डीप कट लगाए हैं, ये देखें। अब मैं एक बाउल लेती हूँ, इस बॉल में मैं दही निकालूंगी ये सारा। नमक, रेड चिली, 2 पिंच हल्दी, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जिंजर और गार्लिक पाउडर, टू टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, रेड कलर। इसको मैं मिक्स करूंगी, अगर कम हुआ तो फिर और ऐड करूंगी। टू पिंच येलो फूड कलर, लेमन जूस, मिक्स करेंगे। इसमें रेड कलर 1 ड्रॉप्स और डालूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये जो चिकन है इसके कट्स में मैं इसको बहुत अच्छे से इसके डीप तक जो है ना इसकी मसाले की अच्छे से फिलिंग करेंगे। अब मैं इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ।
चिकन का मैरिनेशन टाइम पूरा हो चुके हैं, अब मैं इसे कुक करती हूँ। मैंने एक पैन लिए, इससे दोनों पीस ऑन स्लो है। अब मैं इसमें हाफ कप पानी ऐड करूंगी। अब मैं इसको हल्की आंच पे कवर करके कुक करूंगी, तकरीबन 6-7 मिनट एक साइड से और 6-7 मिनट एक साइड से। इसको कवर करते हैं। हटाते हैं और देखते हैं। मैंने इसको 6-7 मिनट एक साइड से कुक किए और 6-7 मिनट एक साइड से कुक किए। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये थाई पीस है, ये इतना गलने में टाइम नहीं लेता और अभी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखें।